मंत्री संजय जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने भारत माला में 60,000 और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 1,00,000 किलोमीटर ज्यादा देने का अभी उन्होंने बात किया है। लेकिन एक दिक्कत होती है अध्यक्ष महोदय, सांसदों की तरफ से भारत माला प्रोजेक्ट के बुद्धा सर्किट में पटना से एक रोड निकली अरे राज के लिए, 25 किलोमीटर बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया है पश्चिम चंपारण का, और वहीं पर भगवान बुद्ध नंदनगढ़ पर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने थे, पर उस योजना को नहीं लिया गया। मैं फिर माननीय मंत्री जी से मिला और मंत्री जी ने उस योजना में मेरे कहने से वो जोड़ दिया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और कुशीनगर को भी नए 727 ए से जो बेतिया से जोड़ा, उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। पर कहीं ना कहीं अफसरों के द्वारा यह गलतियां होती हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि क्या ये गति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में और भारत माला प्रोजेक्ट में सांसदों की भी कोई भूमिका रखेंगे, जिससे जो खुद उन्होंने ही यह गलती करेक्ट किया बुद्धा सर्किट का और बेतिया को 4 लेन देने का काम किया, वैसा ही वो दूसरों में भी सांसद अपना भाग ले सके, उस तरह की योजना है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से बुद्ध सर्किट की योजना बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध सर्किट की योजना में 20,000 करोड़ के लगभग रोड बन रहे हैं। इसमें से बोध गया से राजगीर, नालंदा और बिहार शरीफ, ये ओल्ड NH-82 है, 92 किलोमीटर, ये 2200 करोड़ की योजना है और 4 लेन का वर्क चल रहा है। दूसरी ही बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, ओल्ड NH-31, ये 30 किलोमीटर की, ये 1400 करोड़ की है, 4 लेनिंग वर्क चल रहा है। बख्तियारपुर से पटना, ये 50 किलोमीटर, 75 करोड़ की है, 4 लेनिंग कंप्लीट हो गया है। पटना से वैशाली, रामपुर, खुजराव, ये 120 किलोमीटर है, ये 3100 करोड़ रुपए की योजना है, ये DPR बन रहा है। रामपुर खजुरिया, यूपी बिहार बॉर्डर, कुशीनगर, NH-27 157 किलोमीटर की है, ये 1200 करोड़ की योजना है, इसका 4 लेन कंप्लीट हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बुद्ध सर्किट के लिए साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से लोग आते हैं, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि कुशीनगर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और वाराणसी को भी बनाया। और हमने इस योजना में भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है, भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ बुद्ध धर्म की प्रेरणा मिली है, भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ साधना की है, और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जो जो शहर जुड़े हुए थे, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो सब शहरों को जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि इसमें अगर कहीं गलती हो जाए, राम जानकी मार्ग को भी हमने सीता माँ की जन्म स्थान तक, नेपाल तक हम गए हैं, तो राम जानकी मार्ग भी लिया है। तो मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध सर्किट की योजना, इसमें सम्मान्य सदस्य ने जो सुझाव दिया था उसको भी DPR में हमने अंतर्भूत किया है। और इसके बाद जो भारत माला और गति शक्ति दोनों योजना में मेरे पास विशेष रूप से अलग अलग स्टेट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो मांग की है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी, और उसके साथ साथ राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन, और उसके साथ साथ हमारे लॉजिस्टिक, टूरिज्म, बैकवर्ड एरिया जो निकष तय हो रहे उसके आधार के, निकष के आधार पर लगभग 100% समाधान सदस्यों का होगा, ये मेरा विश्वास है। और इससे निश्चित रूप से सभी पिछड़े हुए क्षेत्र में टनेल्स बनेंगी, रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, और इससे बहुत बड़ा परिणाम आएगा। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के नज़दीक मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था, हाईवे का काम बहुत जोरों में शुरू है, और मैंने ट्रायल में एक्सपेरिमेंट करके 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली और मैंने टेस्टिंग किया, इतना अच्छा रोड बना है जो विदेशों के तुलना में बना है, जो आपके क्षेत्र में बना है। अब इसके बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हम जा सकेंगे, और 2 साल के अंदर ये पूरे रोड हमको मिलेंगे, ये विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद।